एटीएन सिटी न्यूज, साहस सच दिखाने के। जीत का माला पहना देते हैं सुषमलता कुशवाहा जी को। जीत का माला पहना देते हैं सुषमलता कुशवाहा जी को। जीत का माला पहना देते हैं सुषमलता कुशवाहा जी को। जीत का माला पहना देते हैं सुषमलता कुशवाहा जी को। जीत का माला पहना देते हैं सुषमलता कुशवाहा जी को। जीत का माला पहना देते हैं सुषमलता कुशवाहा जी को। बाबू वीर कुंवर सिंह की धरती का नमन करता हूं और आप सब जो इस चुनावी सभा में शामिल हुए हैं, मैं आप सब लोगों को हृदय से धन्यवाद देता हूं। इस चुनावी सभा की अध्यक्षता कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के विधानसभा संयोजक श्री राजीव रंजन सिन्हा जी, मंच के संचालक भोजपुर जिला जनता दल यू के अध्यक्ष अशोक कुमार शर्मा जी, यहां इस कार्यक्रम में जिनकी बात आपने अभी सुनी, बिहार के लोकप्रिय नेता, मेरे मित्र माननीय उप मुख्यमंत्री श्री, और बिहार विधान परिषद के माननीय सभापति श्री अवधेश नारायण सिंह जी, हम लोगों के साथ इस कार्यक्रम में आए हुए जनता दल यू के राष्ट्रीय महासचिव श्री संजय झा जी, बिहार विधान परिषद के माननीय सदस्य श्री रामचरण सेठ जी, बिहार विधान परिषद के माननीय सदस्य श्री रणविजय सिंह जी, पूर्व विधान पार्षद और जनता दल यू के मुख्य प्रदेश प्रवक्ता श्री संजय सिंह जी, जनता दल यू के प्रदेश महासचिव और भोजपुर के क्षेत्रीय प्रभारी नवीन कुमार आर्या जी, जनता दल यू के वरीय नेता उदय शंकर सिंह जी, जनता दल यू के भोजपुर के जिला संगठन प्रभारी श्री दीपक सिंह जी, विकासशील इंसान पार्टी के प्रदेश सचिव श्री जवाहर चौधरी जी, यहां मौजूद ब्रह्मेश्वर सिंह जी, कामेश्वर कुशवाहा जी, भारतीय जनता पार्टी के सभी सम्मानित नेतागण, सर्वश्री राजीव रंजन तिवारी जी, अवधेश सिंह जी, सुभाष उपाध्याय जी, मिथिलेश कुशवाहा जी, मणिमोहन चौबे जी, कामेश्वर सिंह जी, सुनील सिंह जी जो पार्टी में शामिल हुए हैं, वापिस आए हैं, बलराम चौधरी जी, सुनील कुमार सिंह जी, और इस सभा में उपस्थित मेरे प्रिय साथियों, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़े पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं और इस चुनावी सभा में मौजूद बहनों एवं भाइयों, आज ये खुशी की बात है कि हम लोगों के जो उम्मीदवार एनडीए के उम्मीदवार, जनता दल यू के उम्मीदवार श्रीमती सुषमलता कुशवाहा जी घूम रही थी और कल रात में उनको कुछ कष्ट दिखा, लोग लेकर अस्पताल गए और उन्होंने बेटी पैदा किया। हमारा समझ लीजिए कैसा दिन, कितना पवित्र दिन है, नवरात्र शुरू हुआ और अब बेटी पैदा हुई है। और समझ लीजिए ये बड़ी खुशी की बात है, वो खुद तो बेटी है ही, अब उसको भी एक बेटी हो गई, इसलिए मैं उसको बहुत बधाई देता हूं, बड़ी खुशी की बात है। और हमारे साथियों ने बहुत सारी बातों की चर्चा कर दी है, मैं दोहराना नहीं चाहता हूं, हमारे पुराने साथी नाराज थे कि किनको टिकट दे दिया इसलिए और अब नहीं दिया इसलिए वापस आ गए, तो बड़ी खुशी की बात है। हमको अगर ठीक से बताए होते तो हम लोग जरूर सोचते इन सब चीजों पर, लेकिन खैर अब तो आपने बताया, हम यहाँ आकर के बैठ करके सुन रहे हैं, बड़ा अच्छा लग रहा था हमको सुनते हुए कि चलिए कम से कम कुछ बातों के बारे में आपने जो बात बताया ये बात सचमुच इसके बारे में चर्चा होती थी। तो खैर
अब वो तो एक अलग बात है, और हम लोगों ने महिला उम्मीदवार बनाया और आपके बीच में हम लोग आए हैं कि उनको भारी मतों से विजयी बनाइए। और जान लीजिए पहले 15 साल क्या हुआ, लोगों को पति पत्नी को राज करने का मौका मिला लेकिन जनता की कोई सेवा नहीं कर सके, अपनी ही सेवा करते रहते थे, इसी के अंदर अंदर जाना पड़ा, उसके जगह अपनी जगह पर पत्नी को बैठाया, लेकिन कोई काम हुआ बिहार का? क्या हालत था पूरे अपने इलाके के बारे में सोच लीजिए, शाम होने के बाद कोई घर से निकलता था? कितना अपहरण, कितना ज्यादा सामूहिक नरसंहार, कितनी घटनाएं घटती थी, क्या हालत बुरा था, लोग परेशान थे, कितने लोगों का शोषण करते थे, अपहरण कर देते थे, कर लेते थे, पैसे की वसूली करते थे, और कितने लोग हैं, कितने व्यवसायियों को बिहार छोड़ करके जाना पड़ा था जो यहां काम करते थे, कितने चिकित्सकों को डॉक्टरों को यहां से जाना पड़ा था लौट करके, ये मालूम है सब लोगों को? नई पीढ़ी के लोगों को बताइए। और जब हम लोगों को काम करने का मौका लोगों ने दिया, बहुत दिन मौका दिया उन्होंने, लेकिन जब देख लिया कि बिहार बुरे हाल में है, और तब बिहार की स्थिति को बेहतर बनाने के लिए विश्वास करके लोगों ने हम लोगों को वोट दिया और सरकार बनी। नवंबर 2005 से हम सब लोगों को काम करने का मौका मिला, हमने बिहार के उत्थान के लिए काम किया। हम लोग क्या कहते रहे, न्याय के साथ विकास में हमारा यकीन है, और उसका मतलब है हर इलाके का विकास। हम लोगों ने बिहार के किसी भी इलाके की उपेक्षा नहीं की, सब इलाके का विकास करने का काम किया, और समाज के हर तबके का उत्थान, और खास करके जो किनारे पड़ा हुआ है उनको मुख्य धारा में लाने के लिए प्रयास किस तरह से हम लोगों ने किया। महिलाओं के लिए क्या इज्जत लोग महिलाओं की करते थे, जनप्रतिनिधि रूप के रूप में उनका स्थान नहीं, शिक्षा में कितना पीछे, और किस तरह से हम लोगों ने महिलाओं के उत्थान के लिए, किसी को नहीं देंगे, अनुसूचित जाति जनजाति के उत्थान के लिए, अति पिछड़े वर्ग के लिए, कौन पूछता था अति पिछड़े वर्ग के लोगों को? और जब इन सब लोगों को हम लोगों ने मौका दिया, जब काम करने का मौका मिला, तो सबसे पहला काम हम लोगों ने क्या किया, कानून बनाया, पंचायती राज संस्थाओं में, नगर निकायों में महिलाओं को 50% का आरक्षण दिया, अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति को उनकी आबादी के अनुरूप, अनुसूचित जाति को 16%, अनुसूचित जनजाति को 1%, और अति पिछड़े वर्ग के लोगों को 20% का आरक्षण दिया। अब कितनी बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधियां महिलाएं बनी, 3 बार से काम हुआ, अति पिछड़े वर्ग के लोग आए, अनुसूचित जाति जनजाति के लोग आए, उनको भी सम्मान मिला, और जो पूरा का पूरा अपराध की घटनाएं होती थी, नक्सल गतिविधियां रहती थी, किन लोगों के कंधे पर रखकर लोग बंदूक चलाते थे, आप याद कर लीजिए। और जब उनको किसी प्रकार का सम्मान नहीं, और जब उनको हम लोगों ने सम्मान दिया, तो उस अपने कंधे पर किसी को बंदूक चला करके अपराध करने से एकदम मना कर दिया, उसका साथ देना बंद कर दिया। आप सोच लीजिए कितना बड़ा परिवर्तन आया बिहार में, और किस तरह से हम लोगों ने एक एक क्षेत्र में काम किया, विकास के लिए काम किया, अपराध नियंत्रण के लिए काम किया, कानून का राज कायम किया, जंगल राज से मुक्ति कराया, लड़कियां पढ़ नहीं पाती थी उनके पढ़ाने का इंजाम, पोशाक योजना, साइकिल योजना, कौन सा काम हम लोगों ने नहीं किया, स्कूलों का निर्माण, शिक्षकों की नियुक्ति, कौन सा काम जो स्कूल के बाहर रह जाते थे उनका आकलन हमने किया, 12.5% बच्चे बच्चियां स्कूल के बाहर, प्राथमिक विद्यालय में उसका आकलन करवाया, ये कौन है जो सबसे ज्यादा स्कूल के बाहर रह जाते हैं, तो पता चला
या तो महादलित समुदाय के हैं या अल्पसंख्यक समुदाय के, उनको बाहर पढ़ा करके स्कूल तक पहुंचाने का काम किया। टोला सेवक, तालमी मरकज स्वयं सेवक, कौन कौन काम हम लोगों ने नहीं किया है, चीज को देख लीजिए और नई पीढ़ी को बता दीजिए। शाम होते कोई हिम्मत करता था घर से निकलने का? क्या हालत थी, सड़कों की क्या हालत थी? हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने आपको बताया कि क्या हालत था सड़क का और क्या बन रहा है, कितना बड़ा काम हो रहा है। तो एक एक काम हम लोगों ने किया है और राज्य के अंदर भी कितना ज्यादा सड़कों का निर्माण कराया, कितना पुल पुलिया का निर्माण कराया, स्कूलों का निर्माण, अस्पतालों का निर्माण। क्या बुरा हाल था अस्पताल का, 15 साल राज करने का मौका मिला, कहां ये चला पाते थे अस्पताल, क्या दिक्कत होती थी, सरकारी अस्पतालों की कितनी हालत खराब थी। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में 1 महीने में 39 लोग जाते थे, भला बताइए सरकारी अस्पताल में 1 दिन में 1 आदमी जाए, यह स्थिति। और लोगों को अपना इलाज कराने के लिए कितना पैसा खर्च करना पड़ता था, हमने उसका देखा था, आकलन किया था, वर्ल्ड बैंक के लोगों ने एक आकलन करवाया था कई देशों का, कई जगहों का। हमने बिहार का जो आकलन देखा था, हमको देख करके कि जो गरीब आदमी है उसको जो छोटी बहुत छोटी कमाई है उसका सबसे ज्यादा हिस्सा भोजन पर नहीं, उसका सबसे ज्यादा पैसा इलाज पर खर्च करना पड़ता था। यह हाल हम लोग जाने, और जब हम लोगों को काम करने का मौका दिया, स्कूल का निर्माण, उसके बाद अस्पताल की स्थिति, 2006 से ही दवा का इंतजाम कराया, चिकित्सकों का इंतजाम कराया और लोग अपने इलाज के लिए सरकारी अस्पताल जाने लगे। और कहां, हमने जो सर्वे करवाया था 2006 के फरवरी में, 39 मरीज 1 महीने के अंदर आ रहे थे, और अब 1 महीने के अंदर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में 10,000 लोग जाते हैं इलाज कराने से भी ज्यादा। तो एक एक काम करवा रहे हैं हम लोग, एक एक काम हम लोगों ने करवाया, किस क्षेत्र में काम नहीं करवाया, सड़क के क्षेत्र में, हर एक क्षेत्र में जो हम लोगों को आप लोगों ने काम करने का मौका दिया, 5 साल में काम किया, उससे भी ज्यादा अगले 5 साल में, उससे भी ज्यादा अभी हम लोग काम कर रहे हैं। हम लोग बिहार को आगे ले जा रहे हैं, और अभी 6 साल से केंद्र की सरकार है, इनका भी कई योजनाओं का क्रियान्वयन, यहां गरीब गुरबा लोगों की वहां से भी मदद, सड़कों के निर्माण में, बड़े बड़े सड़कों के निर्माण में और पुलों के निर्माण में केंद्र की योजना, और राज्य सरकार ने अपनी तरफ से भी जितनी योजना की। क्या हम लोगों ने अब हर गांव को पक्की सड़क से जोड़ने की योजना बना करके उस पर काम करते रहे, और अब लगभग बहुत कम बचा है, अब वो काम पूरा होने की स्थिति में आ रहा। तो एक एक काम हम लोगों ने किया, और विकास का काम, अपराध के नियंत्रण का काम, यह आप लोगों को जान लेना चाहिए, कितना अपराध पहले था, अब अपराध कितना घट गया, ये तो कोई दावा नहीं कर सकता कि कुछ लोग गड़बड़ नहीं करेगा। आदमी का स्वभाव होता है कुछ लोगों का बुरा स्वभाव, बाया दाया इधर उधर गड़बड़ करता है, लेकिन इन सब चीजों के बावजूद जो केंद्र सरकार के द्वारा प्रकाशित किया जाता हर राज्य में अपराध की स्थिति का, 2018 जो सबसे हाल का प्रकाशन है केंद्र सरकार की तरफ से 2018 का, आप जान लीजिए, अब बिहार का स्थान, इतनी बड़ी आबादी और इतना बड़ा राज्य, लेकिन अपराध के मामले में बिहार का राज्य में 23वां नंबर है। अब आप सोच लीजिए, कितना बड़ा राज्य, कितनी आबादी, कितना ऊंचे है, लेकिन अपराध के मामले में कितना नीचे जा चुके, आमदनी के मामले में भी काफी वृद्धि हुई है। कहां राज्य का एक सालाना आमदनी 76,466 करोड़, अब वो बढ़कर के हो गया 4,14,977 करोड़। विकास दर जो है, वार्षिक विकास दर, गरीब राज्य लेकिन विकास का दर इतना है कि देश भर में
सबसे ज्यादा विकास का दर हम लोगों ने हासिल किया, लगभग 12.8%। और आबादी इतनी बढ़ रही है, हम लोग प्रजनन दर बहुत है, लेकिन इन सब चीजों के बावजूद प्रति व्यक्ति आय में हर साल 10.5% की वृद्धि औसतन हुई है। तो एक एक काम, अपराध पर संतुलन, विकास का काम, हर तरह की योजना बना करके लोगों के हित में, और जैसा मैंने कहा किसी की हम लोगों ने उपेक्षा नहीं की, और सब लोगों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए जो काम किया महिलाओं को। अब आपको मालूम है महिलाओं के उत्थान के लिए जो हम लोगों ने जीविका समूह बनाया, महिला बनी हुई थी, पति अंदर थे, पत्नी को बना दिया था मुख्यमंत्री, क्या किया महिलाओं के लिए, को उत्थान का काम किया महिलाओं के लिए, कुछ भी नहीं किया। और हम लोगों ने महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए जीविका समूह, वर्ल्ड बैंक से कर्ज लेकर के हम लोगों ने गठित किया, इसकी शुरुआत कराई, और तय किया कि 10 लाख स्वयं सहायता समूह, जीविका समूह बनाएंगे। अब हो गया 10 लाख से आगे बढ़ रहे हैं, 1,20,00,000 से ज्यादा महिलाएं अब जीविका समूह से जुड़ी हुई है। कितनी उनमें जागृति आई है, अगर कोई देख ले, लोगों को पता नहीं है, लोगों को भड़काने के लिए बाएं दाएं करेंगे कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। अरे जानते हो, जीविका समूह को, स्वयं सहायता समूह को, माता पिता को पता था, ये हम लोगों ने किया, ये भी स्वयं से कर्ज लेकर के किया, और कितना ज्ञान महिलाओं का बढ़ा, कितनी जानकारी बढ़ी। और हम तो मिलते हैं, देखते हैं कि महिला पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन काम के बारे में जितनी सोच है, जितनी समझ है, बहुत खुशी होती है। और इस तरह से हम लोग बढ़ा रहे हैं। और आपको मालूम है, आज से कई साल पहले की बात, इंद्र में यूपीए सरकार थी, जब बिहार में हमने जीविका समूह बना करके और बहुत अच्छे श्रेणी का हम लोगों ने स्वयं सहायता समूह बनाया, उन लोगों ने ही देखा यहां, और जो हमारा जीविका समूह नाम था, तो देश भर में उन्होंने इसका अनुकरण करते हुए नाम दे दिया आजीविका समूह। और बात करेगा, अगर इस तरह की कोई बात करे, उससे सवाल जरूर पूछिए, क्या आइडिया है, कैसे जीविका समूह बना है, और किस तरह से कृषि का क्षेत्र हो, अन्य क्षेत्रों में कैसे महिलाओं की हम मदद कर रहे हैं, और किस तरह से उनकी आमदनी बढ़ रही है, परिवार की आमदनी बढ़ रही है। और हमारा शुरू से यह संकल्प है, अगर पुरुष और स्त्री दोनों काम करेंगे, तभी समाज आगे बढ़ेगा। इसलिए हमने स्त्रियों के लिए इतना आरक्षण से लेकर के एक एक व्यवस्था कराई, आज समाज आगे बढ़ रहा है, जब महिलाओं का योगदान है, इसी से आगे बढ़ रहा है। और लोगों को तो कुछ पता है नहीं, पढ़ाते थे हम लोग, जो शिक्षक का बहाली कराए थे, तो उन शिक्षकों के बारे में क्या बयान दिया था, जरा हम सब लोगों को बताएंगे कि वो बयान जो है सुना दीजिए, कि शिक्षकों के बारे में ये लोग क्या बोलते थे। अब आजकल खुद से कुछ बोलेंगे, अरे कभी किया बच्चों के पढ़ाने का कोई इंतजाम किया, आज बताइए, जिसका हमने जिक्र कर दिया, अब तो लड़कियां कितनी संख्या उनकी बढ़ गई, मैट्रिक में तो 9वें क्लास में लड़कियों की संख्या उन लोगों के समय अधिकतम थी, 9वें क्लास में 1,90,000 से भी कम। और हम लोगों ने जो काम किया, अब लड़का और लड़की की संख्या मैट्रिक में भी बराबर हो गई है, और इस बार जो मैट्रिक की परीक्षा हुई, लड़का से भी ज्यादा लड़की थी, ये जान लीजिए किस तरह का परिवर्तन आया है। और जब सबको आगे बढ़ाएंगे, तभी तो समाज आगे बढ़ेगा। और क्या क्या काम हम लोगों ने किया, जो काम करते रहे पहला 5 साल, उससे भी ज्यादा मेहनत किया दूसरा बार, अभी और कितना मेहनत कर रहे हैं, रात दिन हम लोगों को कोई दूसरा धंधा है, लोगों को अपने लिए धंधा होगा, हमारे लिए तो आपकी सेवा करना हमारा धर्म है। पूरे बिहार को हम एक परिवार मानते हैं,
और लोगों के लिए पति पत्नी बेटा बेटी यही परिवार है और हम लोगों के लिए पूरा बिहार एक परिवार है। करते रहते कोई दूसरा काम करते हैं, लोग तरह तरह का बयानबाजी करते रहता है, हमको कोई एतराज नहीं है, बयान दो मेरे खिलाफ, प्रचार दो, उससे कोई मतलब नहीं है। हमारी दिलचस्पी प्रचार में नहीं है, हमारी दिलचस्पी काम में है और लोगों को पता है कि क्या हाल था पहले अब क्या होगा। आज जरा सा भी कोई गलत फहमी हो गई तो जो पहले का बिहार था वहीं पहुंच जाइएगा, फिर ये पक्का जान लीजिए, क्योंकि लोगों को अपना पर चिंता है, वो किसी को ऐसे ही काम देगा जी बिना कुछ लिए हुए, ये जान लीजिए। ये लोग जो भी बोलते हैं एक एक बात को ध्यान रखिएगा और जितना काम, जितना लोगों के हित में काम किया जा रहा है, इसके बाद हम लोगों ने इस साल कितना काम किया है भाई आप बताइए। हर जिला में इंजीनियरिंग कॉलेज, हर जिला में पैरामेडिकल संस्थान, हर जिला में पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट, हर जिला में महिला ITI, हर जिला में GNM संस्थान, हर सब डिवीजन में अनुमंडल में ANM संस्थान, ITI, पूरे बिहार में देख लीजिए। यहां तो मेडिकल कॉलेज की भी सब चीज का, आप जमीन का हो गया प्रबंध, पहले जो जमीन चुन रहे थे ठीक नहीं था, एकदम पटना जिला के बॉर्डर पर हो रहा था, हम कहते थे अरे भाई इससे क्या फायदा होगा भोजपुर जिला का, ये पटना जिला के नजदीक जाकर के ये होगा, तब अंत में जगह अब जाकर के मिल गया मेडिकल कॉलेज के लिए भी, इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए। हम बता रहे हैं कि पूरे बिहार के लिए काम, सब जगह पढ़ाई का काम शुरू, बहुत जगह बिल्डिंग भी बन गया, संस्था भी बन गई और जो बचा हुआ उस सब जगह पर संस्थाओं का निर्माण हो जाएगा। एक एक काम हम लोगों ने किया, हम लोग तो चाहते थे कि हमारे यहां बच्चे और आगे पढ़ें, तो गरीब गुरबा के चलते लोग अपने बाल बच्चों को पढ़ा नहीं पाते थे, इसलिए वैसे बच्चों बच्चियों के लिए हम लोगों ने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत 4 लाख रुपए तक की मदद देना शुरू कर दिया, लाखों लोगों ने इसका लाभ लिया। इसके बाद अगर कोई आगे नहीं पढ़ेगा, काम की तलाश में इधर से उधर घूमता है घर के बाहर, उसके माता पिता के पास इतना पैसा नहीं उसको आने जाने का पैसा दे सके, तो वैसे लोगों के लिए हम लोगों ने स्वयं सहायता भत्ता 2 साल तक हर महीने 1000 रुपए की सहायता देना शुरू किया, जो भी इच्छुकता लेना शुरू किया। और उसके बाद कोई आगे नहीं पढ़ा है लेकिन उसको टेक्नोलॉजी का ज्ञान होना चाहिए, कंप्यूटर पर काम करना नहीं जानेगा उसको कोई काम नहीं मिलेगा। कौशल युवा कार्यक्रम के अंतर्गत कितना संस्थान बनाया और ट्रेनिंग करवाना शुरू किया, 10 लाख के 4 साल के अंदर 10 लाख से ज्यादा युवाओं और युवतियों ने ट्रेनिंग ली। एक एक काम, महिलाओं के लिए सरकारी सेवा में 35% का आरक्षण, पुलिस बल में 35% का आरक्षण, हर जगह हम लोगों ने काम किया है। और उसके बाद हर घर तक बिजली पहुंचाने का 2018 के दिसंबर का लक्ष्य रखा, अक्टूबर तक ही पहुंचा दिया, और उसके बाद तो और ज्यादा लोग अपने अपने घर में और बिजली ले रहे हैं, तो बिजली का काम कर दिया। क्या इनको 15 साल काम करने का मौका मिला भाई, बिजली का बिहार में क्या खपत था, 700 मेगावाट, और अब 6000 मेगावाट से भी ज्यादा का खपत है। बिजली का प्रबंध किया, घर घर बिजली पहुंचा दिया, ये सब काम हम लोगों ने किया। हर घर नल का जल, क्या तेजी से काम चल रहा, क्या तेजी से काम हम लोग करते जा रहे, हर घर नल पहुंचाने का 83% के करीब पहुंच गया है। और आपके यहां, और जानते हैं कि कई जगहों पर कोई फ्लोराइड प्रभावित है, कोई आर्सेनिक प्रभावित है, कोई आयरन से प्रभावित है, उन सभी जगहों पर भी पानी को शुद्ध करके और पीने लायक उसको बना करके हर घर देने का काम जो चल रहा, महीना दो महीना में ये काम पूरा हो जाने वाला है। हर घर नल का जल, पूरे देश में हर घर शौचालय बनाने की योजना, बिहार में भी हम लोगों ने तेजी से काम किया, लगभग हर घर में शौचालय का निर्माण पूरा होने वाला है और वो लगभग हो गया था। हम लोगों ने फिर कहा कि एक बार फिर गौर से देखिए कि कोई छूटे नहीं, और जिसको घर में जगह नहीं है उसके लिए कुछ सामूहिक रूप से बना करके
एक एक शौचालय का चाबी उसको दीजिए। तो ये सब काम चल रहा और इस तरह से ये भी काम बहुत जल्दी पूरा होने वाला है। हर घर तक पक्की गली और नाली का निर्माण गांव गांव में। साहब हम लोग एक एक काम किए और ये सब काम कर रहे हैं लोगों के उत्थान के लिए, लोगों की प्रगति के लिए। और ये सब काम तो एक के बाद दूसरा करते ही गए हैं। अब इसके आगे और मौका दीजिएगा तो विकास की इस धारा को और तेजी से हम लोग बढ़ाएंगे। केंद्र सरकार का भी सहयोग, उनकी भी योजनाएं और राज्य सरकार का भी काम, सब मिलकर के बिहार को बहुत आगे बढ़ाएंगे। और एक बात जान लीजिए, हम लोगों ने तो सोच लिया, अभी जो गांव गांव की बात है, हम लोग जो दे रहे हैं हर घर बिजली पहुंचा दिया, अब अगला बार मौका दीजिएगा तो हम हर जगह हर गांव में सोलर स्ट्रीट लाइट लगवा देंगे, सब रास्ता में सोलर लाइट लगवा देंगे। अपने घर का बिजली बंद कर दीजिएगा, बाहर पूरा उजाला रहेगा, ये दृश्य हम लोग करेंगे। यह भी काम करेंगे सब लोगों के लिए, हर गांव के लिए। तो जो भी हम लोगों को आगे मौका मिलेगा, एक नहीं अनेक काम करेंगे। फिर गांव की, शहर की, सबका सफाई, ऐसा नहीं है कि कोई चीज पहुंचा दिया और उसका अनुरक्षण नहीं होगा, सफाई नहीं होगी तो फिर दूसरे तरह की समस्या आएगी। तो साफ सफाई के लिए सारा इंतजाम हम लोग करवाएंगे, एक एक काम हम लोग करते हुए इसी तरह से। और एक काम आप जान लीजिए, हर खेत तक सिंचाई का पानी पहुंचाएंगे। कहीं हम सूखा वगैरह से प्रभावित इलाके में भी ऐसे नहीं रहने देंगे, सिंचाई का पानी वहां तक पहुंचा देंगे। अब यह हम लोगों का संकल्प है कि अब अगली बार मौका मिलेगा तो भाई इतना काम किए, सब काम की देखभाल अनुरक्षण तो करेंगे ही, लेकिन नया काम भी करेंगे। आप कल्पना कर लीजिए, हर खेत तक सिंचाई के लिए पानी हम लोग पहुंचा देंगे, तब कितना पैदावार होगा। और ये तो खेत के लिए हो ही जाएगा, लेकिन साथ साथ पशुओं के लिए भी इलाज का प्रबंध कराएंगे। 8 से 10 पंचायत में पशु चिकित्सालय, और जो नई टेक्नोलॉजी है इसका तो हम सबको और अध्ययन कराएंगे। खाली कंप्यूटर पर वाले से काम नहीं होने वाला, अब दुनिया भर में इतना ना ज्यादा नई तकनीक विकसित हुई है, उन सब चीजों का सबको और अध्ययन कराएंगे। और जिला स्तर पर प्रावधान करके एक एक चीज करेंगे ताकि लोग काम करना जाने, काम करें और दूसरों को काम में लगाए। हमको बाहर से लाना पड़ता है, यही हो जाएगा। हमारे लोगों को तो किसी को मजबूरी में बाहर जाना ही नहीं पड़ेगा, इतना काम, ये सब काम हम लोग करेंगे। और जो पशुओं के लिए जो इंतजाम आप लोग करते हैं, पशुपालन का करते हैं, हम लोग उसके लिए भी नई टेक्नोलॉजी के माध्यम से अस्पताल से जोड़ देंगे। और अगर किसी का जानवर अस्वस्थ हो गया है तो चिकित्सक देख लेंगे, इलाज करेंगे उनका, और उनके लिए जो दवा की जरूरत है पशुओं के दवा का भी इंतजाम सरकार अपनी तरफ से कर देगी। यानी व्यक्तियों के साथ साथ पशुओं के लिए भी हम काम करेंगे। तो अगर मौका दीजिएगा तो हम लोग तो कुछ ही बात कह रहे, इसके भी आगे और जिस चीज को करना जरूरी है अपने समाज में और गांव में, जान लीजिए गांव को सड़क से जोड़ रहे हैं, लेकिन अब आगे हम लोग कई गांवों को जोड़ते हुए और नया सड़क बनवाएंगे जिससे इनको मुख्य सड़क पर जाने में और सहूलियत हो जाए, मुख्य कार्यालयों में जाने के लिए उनको सहूलियत हो जाए, ये भी काम करेंगे। और शहर बाजार सड़क का चौड़ीकरण तो हो ही रहा, सब शहर बाजार में बाईपास बनवा देंगे, किसी को दिक्कत नहीं हो। और अगर बाईपास की जमीन नहीं मिलेगी तो वहां पर फ्लाईओवर ऊपर से रोड और बनवा देंगे कि दूर जाने वाला आदमी ऊपर से ऊपर चला जाए। मौका दीजिएगा तो आगे और करेंगे। और जो हमारा इतिहास है, बहुत ऊंचाई पर यह बिहार रहा है, अगर आप आगे मौका दीजिएगा तो बिहार को नई ऊंचाई पर पहुंचाने के लिए ही हम लोग रात दिन और मेहनत करेंगे और मिलकर हम लोग काम करते हैं। ठीक ही कहा हमारे साथियों ने, आप सब लोगों को जरा बताइए, ये भ्रष्टाचार करने वाले लोग, हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने इसके बारे में चर्चा कर दी और बता दिया कि किस तरह का भ्रष्टाचार करते थे। और अभी देख लीजिए, केंद्र हो या राज्य हो,
यहां पर कहीं कोई बात है? हम लोग किसी चीज को बर्दाश्त करते हैं ना? अपराध को बर्दाश्त करेंगे, ना भ्रष्टाचार को बर्दाश्त करेंगे, ना सांप्रदायिकता को बर्दाश्त करेंगे। हम लोग मिल करके काम करते हैं और समाज को आगे बढ़ाना चाहते हैं, बिहार को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाना चाहते हैं। इसलिए आप सब लोगों से ही निवेदन है कि एकजुट होकर के फिर से एनडीए को काम करने का मौका दीजिए। मौका मिलेगा, सबकी सेवा करेंगे। आपकी सेवा करना ही हमारा धर्म है, यही आप सबसे अनुरोध है, विनती है। और हम लोग के उम्मीदवार एनडीए की प्रत्याशी सुषमलता कुशवाहा जी को भारी मतों से विजयी बनाइएगा। तीर छाप के बगल का बटन दबा करके विजयी बनाइएगा, यही हम आप सबसे अनुरोध करते हैं। तो क्या उम्मीद करें, होगा ना? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अब यहीं से हम सांकेतिक रूप से आप लोगों की इजाजत से हम जीत का माला पहना देते हैं सुषमलता कुशवाहा जी को। आप लोगों की इजाजत है, हाथ उठा के बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप एक एक वोट दीजिएगा 28 तारीख को। और जो हमारी बहने हैं, महिलाएं हैं, सबसे कहेंगे कि सवेरे पहले मतदान कीजिएगा और तभी जलपान कीजिएगा। हम तो सब दिन कहते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सब लोगों ने सहयोग का भी वचन दिया, इसके लिए मैं आप सबको हृदय से धन्यवाद देता हूं और अपनी बात को समाप्त करता हूं।